आशीष अपनी पीक पर पहुंच चुका है। 2-0 से ऑस्ट्रेलिया से पिछड़ने के बाद बेसबॉल की टीम इंग्लैंड ने वापसी करी है और ऑस्ट्रेलिया को पिछाड़ दिया है हेडिंगली के मैदान पर। हेडिंगली में पहले भी एक बार मैच बचाया था बेन स्टोक्स ने, पर इस बार टीम के हीरो रहे मार्क वुड। पहली पारी की अगर मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया ने 263 रन बनाए थे, जिसमें शतक आया था मिचेल मार्श के बल्ले से। 100 की स्ट्राइक रेट पे खेले थे और 118 रन उन्होंने बना दिए थे। जब इंग्लैंड दोबारा बैटिंग करने आई थी तो 263 रन का स्कोर कोई खास बड़ा नहीं था, लेकिन उनकी बैटिंग भी एकदम कोलैप्स कर गई। डकेट, हैरी ब्रूक, जो रूट, जॉनी बेरिस्टो, किसी के बल्ले से रन नहीं आए और एक बार फिर से कप्तान बेन स्टोक्स खड़े रहे और 108 गेंदों पर 80 रन उन्होंने जड़ दिए। फिर जब ऑस्ट्रेलिया की तीसरी पारी में बल्लेबाजी आई तो वो मात्र 224 रन पर निपट गए। ट्रैविस हेड के 77 के चलते ही वो 224 तक पहुंचे थे, वरना एक तरफ तो लग रहा था कि 150-170 तक ऑस्ट्रेलिया की ये पारी सिमट जाएगी। पिक ऑफ द बॉलर्स रहे क्रिस वोक्स और स्टुअर्ट ब्रॉड, दोनों ने ही 3 विकेट चटकाई, लेकिन क्रिस वोक्स की गेंदबाजी बहुत अच्छी थी, उन्होंने जेम्स एंडरसन की कमी बिल्कुल नहीं खलने दी। फिर जब चौथी पारी में आई इंग्लैंड की टीम तो उन्हें 250 से ज्यादा रन बनाने थे, उन्होंने मैनेज कर लिए 254 रन और सिर्फ 7 ही विकेट खोई थी। जैक क्रॉली के बल्ले से आए 44 रन और बेन डकेट ने भी 23 रन की शानदार पारी खेली। ये पारी छोटी जरूर थी, लेकिन इन दोनों पारियों के चलते एक अच्छा स्टार्ट मिल गया था और जैक क्रॉली बेन डकेट की ओपनिंग जोड़ी इंग्लैंड को अब लगातार अच्छी शुरुआत दे रही है और फ्यूचर भी इन दोनों खिलाड़ियों पर डिपेंड करता है। मोइन अली नंबर 3 पे आए थे जो जल्दी आउट हो गए एंड मोइन अली के बैटिंग पर बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। जो रूट 21 रन पे चलता हो गए, लेकिन हैरी ब्रूक जिनका बल्ला खामोश था उन्होंने 75 रन की शानदार पारी खेली, 9 चौके लगाए, जिसके चलते ही ये टेस्ट मैच इंग्लैंड ने अपने नाम कर लिया। कप्तान बेन स्टोक्स जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन क्रिस वोक्स ने मैच को फिनिश कर दिया। 47 बॉल्स में 32 रन बनाए और क्रिस वोक्स ने गेंदबाजी से भी विकेट चटकाई थी, इंग्लैंड की पहली पारी में भी आके रन बनाए थे एंड इसीलिए उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। पहले दोनों मैच टीम इंग्लैंड हार गई थी क्योंकि क्रिस वोक्स नहीं खेल रहे थे, जैसे ही क्रिस वोक्स को खिलाया गया टीम जीत गई। अब आशीष पीक पर पहुंच चुका है, 2-1 का स्कोर चल रहा है, 2 टेस्ट मैचेस अभी भी बचे हुए हैं। क्या बेसबॉल की इंग्लैंड यहां से वापसी कर सकती है या पैट कमिंस के ऑस्ट्रेलियन कंगारू वापस आएंगे और इस मैच में मिली करारी शिकस्त का बदला लेंगे? पर क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। क्रिकेट एडिक्टर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।